हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सी एम्पलीफायर। तो जैसा कि हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तब ये देखा था कि क्लास सी एम्पलीफायर एज ए ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज किया जाता है। यहाँ पे जो लोड है वो रेजोनेटिंग सर्किट लोड का जो यूज किया जाता है वो एज ए रेजोनेटिंग सर्किट यूज किया जाता है क्लास सी एम्पलीफायर में। और क्लास सी एम्पलीफायर की जो रनिंग है वो रनिंग जो है लेस देन 180 डिग्री रहती है। जो सिग्नल है वो 180 डिग्री से कम के लिए रन करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि क्यू पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से नीचे यहाँ शिफ्ट किया जाता है क्यू पॉइंट को। तो आप देख सकते हैं कि क्यू पॉइंट को शिफ्ट किया है तो ये आईसी जो मैक्सिमम है कलेक्टर करंट है वो 180 डिग्री से कम के लिए रन करता है। तो ये जो है ना जब आउटपुट सिग्नल आता है इन फॉर्म ऑफ द पल्सेज आता है, इस तरह से सीरीज ऑफ पल्सेज आपको मिलती हैं आउटपुट सिग्नल की। तो ये यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो जानना हमें बहुत जरूरी है। इस ऑपरेशन में ये होता है कि इस तरह से ये हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये जो वेवफॉर्म्स बनाई हुई है, मैंने बैंडविड्थ के लिए वेवफॉर्म्स बनाई हुई है, बैंडविड्थ में जो रोल ऑफ हो रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ जो रोल ऑफ हो रहा है वो वहां पे गेन ड्रॉप हो रहा है, वो इस कारण से इसका जो इफेक्ट रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो कंटिन्यूसली साइन वेव आएगा, मतलब पल्स के फॉर्म में इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ एसी इनपुट वोल्टेज जो आएगा वो उसके बाद जो एम्पलीफाइड आउटपुट आएगा उसमें ये जो डिफरेंस रहेगा वो देखेंगे हम कलेक्टर पे देखेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस जो रहेगी 1/2 pi स्क्वायर रूट ऑफ LC के फॉर्म में मिलेगी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो ये इसमें जो गेन ड्रॉप होगा वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग गेन ड्रॉप होगा जो वेरी करेगा इसमें ट्यूनिंग के कारण वेरी करेगा यहाँ पे। अब हम इसके सर्किट ऑपरेशन से देखते हैं तो ये एक सिंपल सर्किट, ये सीरीज रेजिस्टेंस होगा इंडक्टर का, जिसमें दिसमीन्स जो ट्यून्ड सर्किट हम यूज करेंगे वो ट्यून्ड सर्किट में जो इंडक्टर होगा आउटपुट लोड को इंडक्टेंस के थ्रू ट्यून्ड सर्किट के थ्रू यूज करेंगे तो वो इंडक्टर होगा, उसका रेजिस्टेंस यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है RS सीरीज रेजिस्टेंस। लोड लाइन देख सकते हैं तो AC लोड लाइन, DC लोड लाइन जो वर्टिकल होगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो होगा, VCC जीरो के फॉर्म में मिलेगी आपको, IC कंपोनेंट जीरो होगा उस केस में। इस तरह से मिलेगी आपको DC लोड लाइन, जहां पे ये कंपोनेंट AC लोड लाइन में VCC अपॉन RC IC एक्सेस पे मिलेगा और VCC आपको VCE एक्सेस पे मिलेगा। जब हम इक्विवेलेंट इसका सर्किट AC इक्विवेलेंट सर्किट यहां ड्रॉ करेंगे तो AC इक्विवेलेंट सर्किट आप देख सकते हैं RB यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं आगे चल के। तो इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो पैरेलल बहुत लार्ज रेजिस्टेंस होगा और पैरेलल में हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने यहाँ नेगलेक्ट किया हुआ है और इस तरह से ये जो सर्किट है वो AC इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस AC इक्विवेलेंट सर्किट से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर निकालेंगे तो QL दैट इज इक्वल टू XL अपॉन R इस टर्म में निकलेगा, RB के टर्म में निकलेगा, देन ओमेगा RL अपॉन R, इस तरह से क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। ये जो RP फ्रीक्वेंसी है दैट इज यहाँ पे हम ये सीरीज के टर्म में आ गया, सीरीज रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया, पैरेलल रेजिस्टेंस के टर्म में RP को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा RL इनटू QL सर्किट का जो इंडक्टेंस था, तो सर्किट का जो क्यू फैक्टर था तो QL इनटू XL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे इंडक्टर के टर्म में, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। RC जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा RC AC के केस में दैट इज RP पैरेलल RL होगा यहाँ पे, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट रेजोनेंस जो इंडक्टर का इम्पीडेंस है वो कैंसिल करेगा कैपेसिटर के इम्पीडेंस को, तो यहाँ पे केवल RP रेजिस्टेंस जो एग्जिस्ट करेगा RP पैरेलल में
ये जो रेजोनेंस की कंडीशन में आरपी आरएल ये दोनों पैरेलल में एग्जिस्ट करेंगे, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर के इंपेडेंस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरसी इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरपी पैरेलल आरएल, और इससे हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ ओवरऑल सर्किट, अगर हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करें देन क्यू इक्वल टू यहां से आर सी अपॉन एक्सएल, या फिर एक्सएल को हम ओमेगा आर एल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी फैक्टर ओवरऑल सर्किट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं और एनालिसिस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे है, टैंक सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और उस हाई इम्पीडेंस के कारण वो प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा लार्ज वोल्टेज गेन। तो ज्यादा लार्ज ज्यादा वोल्टेज गेन प्रोड्यूस करने के कारण उसी समय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे हमें वोल्टेज गेन ज्यादा मिलता है, जबकि उसी समय देखा जाए तो जो दूसरे हार्मोनिक्स हैं, यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, वहां पर लो इम्पिडेंस के कारण, टैंक सर्किट का जो इम्पिडेंस लो होता है उसके कारण वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्लास सी ऑपरेशन में देखें तो दूसरे जो हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक्स को फिल्टर आउट कर देता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलते हैं, तो प्योर साइन वेव ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होते हैं इस सर्किट में। देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे जो सर्किट हमने अभी ड्रॉ किया था उस सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ देख सकते हैं। तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलते हैं, बाकी जो हार्मोनिक्स हैं यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसका सीधा रीजन है कि हाई फ्रीक्वेंसी मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का इम्पिडेंस जाना होता है, और इम्पिडेंस जाना होने के कारण वो उनका जो है ना वोल्टेज गेन उस कंडीशन में जाना होता है। तो इस तरह से वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे ये वाले। सिमिलरली यहाँ पे हम मैं कुछ और दूसरी इंपोर्टेंट चीजें भी डिफाइन करूंगा जो हमें जानना जरूरी है, जैसे कि बैंडविथ। बैंडविथ में हम जानते हैं कि यहाँ पे सिंपल मैक्स गेन है, ये अगर गेन प्लॉट कर रहा हूँ तो ये हाफ गेन मैक्सिमम गेन है, यहाँ पे ए बी मैक्सिमम बोला हुआ है मैंने यहाँ पे ए बी मैक्सिमम, और ये है यहाँ पे ए 0.707 ए बी मैक्सिमम, या फिर मैं बोलूँ 1/√2 ए बी मैक्सिमम। और इसके करस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है F1 और F2, जहाँ अपर हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं या और लोअर हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंडविथ कहलाता है सिस्टम का। तो बैंडविथ को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे F2 - F1, जहाँ F2 इज द अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, F1 लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ Q फैक्टर के टर्म में अगर हम बैंडविथ को डिफाइन करें तो बैंडविथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर है। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टर्म में आते हैं तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशंस है। ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल को भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूटी साइकिल दैट मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल है वो जो कलेक्टर वेव फॉर्म जो जनरेट हो रहा है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है, लेस देन 180 डिग्री के लिए जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको विर्थ इसकी W डिफाइन करूँ, ड्यूटी साइकिल के लिए विर्थ W डिफाइन करूँ और टोटल टाइम पीरियड को T डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, तो ड्यूटी साइकिल D इक्वल टू W/T से डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे। तो T इज द पीरियड ऑफ टाइम और W इज द विड्थ ऑफ द पल्स है यहाँ पे। अगर इसको फाई के केस में, यहाँ पे सपोज दैट कि मैं ये दूसरे वेवफॉर्म्स इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे फाई एंगल के टर्म में डिफाइन है अगर ये, और यहाँ पे ये टोटल जो है साइकिल वो 360 डिग्री के टर्म में है, तो यहाँ पे मैं ड्यूटी साइकिल कह सकता हूँ कि D इक्वल टू 5/360 डिग्री डिफाइन कर सकते हैं यहाँ इस तरह से। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए बात करेंगे तो आउटपुट पावर की बात करेंगे, तो आउटपुट पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं
पी आउट इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल, और यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है उसमें रख सकते हैं, ये आर एम एस जो है वी पी पी अपॉन टू रूट टू के टर्म में डिफाइन होता है, तो वी पी पी अपॉन टू रूट टू, जैसे यहाँ पे वी आर एम एस को हम वी एम बाय रूट टू डिफाइन कर सकते हैं और वी एम को वी पी पी अपॉन टू से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वी पी पीक पीक के पी पी के टर्म में ले लिया है, तो दैट इज इक्वल टू आर एल, और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं वी पी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट आर एल, इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सिमिलरली तो यहाँ से पी डी मैक्सिमम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ट्रांजिस्टर डिसिपेशन एंड दैट विल पी डी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू बी पी पी स्क्वायर मैक्सिमम ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, जहां पे बी पी पी मैक्सिमम इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वी सी सी है। अब इसके बाद ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन मस्ट ग्रेटर देन पी डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सर्किट, तो पी डी मैक्सिमम वैल्यू जो भी है सर्किट की उससे ट्रांजिस्टर पावर मैक्सिमम जाना ही होना चाहिए हमेशा। डीसी इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए डीसी इनपुट पावर, और उसके लिए आईडीसी शुड बी इक्वल टू आईसी सैचुरेशन, दैट मींस सैचुरेशन कंडीशन में आईसी की वैल्यू आईसी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय पाई, दैट मीन्स 0.318 आई सी सैचुरेशन, ये वैल्यू होनी चाहिए उस समय की कंडीशन में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी डी सी इक्वल टू वी सी सी इंटू आई डी सी, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं पी डी सी इक्वल टू वी डी सी इंटू आई डी सी। अब यहां से हम इफिशियंसी कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो परसेंट ईटा इक्वल टू पी ए सी अपॉन पी डी सी इंटू 100%, इसको कैलकुलेट करने के लिए दैट मीन्स पी आउट अपॉन, यहां से हमने देखा था तो वी सी सी इंटू आई डी सी इंटू 100%, और ये इससे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यहां देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। तो ये सारे क्लास सी के बारे में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे, ड्यूटी साइकिल देखा, बैंडविड्थ देखा, ये सारी कैलकुलेशंस देखी। तो ध्यान रखना है आपको कि क्लास सी जो पावर एम्पलीफायर है वो ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। जब भी हमें इस तरह से ट्यूनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डील करना होता है, तब हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ये क्लास सी के बारे में था। थैंक यू।